साहब वाहेगुरू जी की फतेह। अज असी एस डी एम तो ब्लॉक पहुंचे हाँ जिते किसान जथेबंदियों वालों नैत जो एक कांड होया जांच वास्ते एक मंग पत्र दे जाते हैं। आपां देखांगे भी जिहड़े प्रशासन ते सरकार इस मसले नूं कदा हल करनगियां, कैमरा डैम्पर इस नगरी तौर तो खिंच सकते संयुक्त समाज मोर्चा जिंदाबाद। ठीक है सर। दिक्कत यह है जी, एक तो जो दरख्त है अभी जेल बहुत खर्चा कर रही गवर्नमेंट दरख्तों से लाने पी डब्ल्यू डी ला रही सड़क से जंगलात महकमा नहर सूबा है तकरार ना हो अल्टीमेटली जो थोड़ा किसी आपस में तकरार होगा मैडम ने वादा किया चौधरी साहब जाते जाते फ्लोर कमेटी घर खड़ी होगी वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरजीत सिंह ढेसी प्रधान बीके जी दुआबा जलंधर। जो पिछले दिनों में मजीठा के अनायतपुर विखे घटना वापरी आ गुजर भाईचारे ते जिमीदारां भरावां च जो होया वो मंदभागा होया तो सारे इंसान एको जे ही आ। चक्कर ये होया जो बनती कार्रवाई आ सरकार मतलब जिहड़ी सरकार कर रही है वह किसानों के उत्ते दबाव पा के फैसला करना चाहती है। असी ये चाहते हैं भी दुध का दुध पानी का पानी हो जो भी मान लो कांड होया पूरी पूरी जाँच करके जिते कार्रवाई बनती है वह कार्रवाई की जाए। जी फतेह। मैं तरसेम सिंह ढिल्लों भारतीय किसान यूनियन दुआबा सर्कल ग्राम प्रधान। अज असी एस डी एम साहब नूं मंग पत्र देण आए हैं जिहड़ी घटना अनायतपुरा विच वापरी सी क्योंकि उहदे विच जिहड़ी उत्थे दा प्रशासन सीगा वह जिहड़े एक तरफा अपना जिहड़ा डिसीजन दे रहा भी किसानां ने इदां कीता ते गुजर भाईचारे का कोई उच्च दोष नहीं जबकि दोनों धिर के विचों एन पूरे जिहड़े तथ्य लिया के तां लोकां सामने करने चाहिए भी ये लड़ाई हुई क्यों क्योंकि आपां नूं हुण देखण तों भी पता लग रहा कि 8 साल पहला भी उत्थे लड़ाई हुई सी ते जिहड़ा उत्थे जिहड़ा गुजर कबीर मरिया उहदे उत्ते भी पहला भी अपराधिक मामला दर्ज होया सीगा 8 साल पहला। सो सरकार नूं चाहीदा कि बिल्कुल स्पष्ट ते निरपक्ष होकर जिहड़ी जाँच करके वो जिहड़ा इहदा जिहड़ा फैसला करना चाहीदा ना कि किसानां नूं दबाउणा चाहीदा। गुजर भी भाईचारा ते किसान भाईचारा इन्हां दोनों दीआं जिहड़ीआं गल्लां नूं देख के फिर उहदा तुसीं जिहड़ा निपटारा करो ना कि एक तरफा करे। इसलिए असी उन्हां दी हमायत दे विच अपने किसान भरावां दी भारतीय किसान यूनियन दुआबा वालों इत्थे एस डी एम फलौर साहब नूं देण आए मंग पत्र ते इसलिए इत्थे पहुंचे सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। दुआबा वालों अज एस डी एम दफ्तर फलौर विखे मंग पत्र दित्ता गया। उन्होंने तीन मेन मंगा ने, पहली मंग तो है भी अनायतपुरा तहसील मजीठा के गुजरा के किसान परिवारों के बीच कुछ लड़ाई हुई सी वो चाहते हैं भी वो जी लड़ाई हैगी है उसके किसी भी धिर के उत्ते जो एक्शन लेना तो पूरे का पूरा प्रॉपर मैरिट के उत्ते किया जाए। इस संबंध के चाहते थे कि मैं एक मंग पत्र सरकार को भेजा ताकि एक निरपक्ष उच्च पद्धरी इनकुआरी
दूसरी मंग उन्होंने हैगी है भी जोड़ा हल्का फलौर है ये गुजर परिवार को हदायत की जाए भी जोड़े उन्होंने अपने को पशु रखे हुए हैं एक तो वो फसल का नुकसान करते हैं सैकेंडली जिहड़ियां विलेज साइड के उत्ते प्लांटेशन की है चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की है या ब्लॉक डिवेलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर वालों हुई है या विलेज ग्रांट के उन्होंने नुकसान पहुँचाते हैं सो इस करके उन्होंने कहा जाए भी ये पशु जोड़े है कंट्रोल दे तीसरी डिमांड उन्होंने सी वो कहते हैं भी बहुत ज़्यादा चोरियां बढ़ गई ने ट्रांसफॉर्मर के ऑयल चोरी हो रहा है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट चोरी हो रहे हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है भी जोड़े कबाड़िए ने जितों यह चीज़ा विकदिया ने भी उन्होंने कहा जाए भी जो रिसीव करते हैं मटीरियल तो उस बंदे तो आधार कार्ड तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लैन इस तो पहले कि वह आपका उन्होंने इनवेंटरी देख लेंगे तो ये जो किसान यूनियन दंगा ने इन संबंधी जो मंग पत्र मैं इन डीसी साहब को भेज देना क्योंकि कुछ मंगा उन्होंने संबंधित ने सैकेंड जी मंग हैगी है जी उन्होंने क्या गुजरात को कहा जाए उस संबंधी मैं डीएसपी साहब में कह लगे भी अपन पेट्रोलिंग पार्टीज कह दें भी जिते जिते भी गुजरात के डेरे है उन्होंने थोड़ा बहुत सैनिटाइज कर दें ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना फतेह मैं बलविंदर सिंह खरा ब्लाक प्रधान कलौल भारतीय किसान यूनियन दुआबा अज असी एस डी एम साहब मंग पत्र देने आए हैं जो अपने अनायतपुर मजीठा हल्के गुजर से अपने किसानों के टकराव होया वो संबंध में दे के आए तो किसानों के हक के उत्थे प्रशासन काम नहीं कर रहा गुजरों की हिमायत कर रहा गुजर अपने एरिया सारे इकट्ठे करके गुजर ने उत्थे कट किया हुण अपनी जथेबंदियां नंग संघ जथेबंदियां भी उत्थे पहुँच चुकी इस करके असी एस डी एम साहब मंग पत्र देने आए हैं कई साढ़े भी उन्हें गुजरों से भी एक्शन होना चाहिए ना कि किसानों से वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह